अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। रायबरेली में युवक की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। कोविड 19 के चलते देश प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सक्रियता के बाद भी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मामला रायबरेली का है, जहां आज रविवार की सुबह उस वक्त सनसनी मच गई जब महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर गांव निवासी एक युवक का शव गांव से कुछ दूरी पर सड़क किनारे मिला। सुबह हत्या के मामले की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार जिले की महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर गांव निवासी अर्जुन यादव का पुत्र संजय यादव कल शाम अपने घर से निकला था और उसके बाद वह नहीं लौटा। आज सुबह उसका शव गांव से कुछ दूर सड़क किनारे मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीओ महाराजगंज का दावा है कि जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा कर हथियारों तक पहुंच जाएगी। परिजनों की माने तो मृतक संजय कल शाम को घर से निकला था, लेकिन रात में नहीं लौटा और आज सुबह गांव के बाहर सरकूच कर उसकी हत्या की गई है। हत्या कर दी गई, उसका शव मिला है। घर वालों की सूचना पर छानबीन की जा रही है, जल्दी सूचना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।